हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। और दोस्तों करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग आज देखने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। आइए शुरुआत कर लेते हैं इस सेशन को। सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और दोस्तों यह अभ्यास प्रश्न था, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है जो मई 2024 में अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। ऑप्शन है ए एड ड्वाइट, ऑप्शन बी सिल्वन चिरोन, ऑप्शन सी गोपी बुश अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एड ड्वाइट। वे सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने मई 2024 में अंतरिक्ष की यात्रा की है। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। आपको बता दें कि एड ड्वाइट अंतरिक्ष में जाने वाले पृथ्वी के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं और 90 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। आपको बता दें कि उन्हें 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा देश के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, लेकिन उन्हें कभी उड़ान भरने का अवसर नहीं मिल पाया था। और इस उम्र में यानी 90 की उम्र में उन्हें यह मौका मिला और अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति अब एड ड्वाइट बन गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। और इसके तहत आज का नया प्रश्न और प्रश्न नंबर एक है, किस लोकसभा क्षेत्र में नोटा को 2.18 लाख वोट मिले और इसने नया रिकॉर्ड बना दिया है? इसका उत्तर है दोस्तों इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा में नोटा का सबसे ज़्यादा बटन दबा, यानी 2,18,000 वोट पड़े नोटा को। आपको बता दें कि देश में पहली बार किसी सीट पर नोटा यानी नन ऑफ द अबव को 2.18 लोग पड़े वोट पड़े हैं। इससे पहले नोटा का सबसे अधिक वोट का जो रिकॉर्ड है वो बिहार के गोपालगंज में रहा था और 51,660 वोट उस समय पड़े थे। वहीं दोस्तों नोटा के बारे में आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2013 से शुरू हुआ था और चुनाव आयोग के मुताबिक नोटा के वोट गिने तो जाते हैं लेकिन इसे रद्द श्रेणी में रखा जाता है। और अगर 100% नोटा का वोट किसी लोकसभा क्षेत्र में आ जाता है तो वहाँ रीपोलिंग का प्रावधान किया जाता है, वरना नोटा का कोई महत्व नहीं है। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में यानी 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में सूरत में लोकसभा में जो सदस्य हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं, अतः नोटा का प्रयोग वहाँ पे नहीं हो पाया था। यानी इंदौर में सबसे ज़्यादा नोटा का प्रयोग किया गया जहाँ 2.18 लाख पड़े, और सूरत में चूंकि निर्विरोध चुन लिए गए सांसद इसलिए वहाँ नोटा का उपयोग ही नहीं हो पाया। ये तो दोस्तों प्रश्न नंबर एक। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दो को। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 किन दो देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें से एक देश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों आपको बता दें कि इसका सही उत्तर है अमेरिका और वेस्ट इंडीज, यानी अमेरिका में पहली बार टी20 का आयोजन किया जा रहा है वर्ल्ड कप का। वहीं टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत की बात करें तो 2 जून 2024 से शुरू हुआ है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के तत्वावधान में। अमेरिका को पहली बार किसी भी आईसीसी इवेंट के होस्टिंग का मौका मिला है। अमेरिका 2028 में ओलंपिक में भी होस्ट करेगा और जिसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका टी20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग करने वाला दूसरा एसोसिएट मेंबर नेशन बन गया है अब। और एसोसिएट नेशन का अर्थ वो होता है दोस्तों आईसीसी ने जिन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा नहीं दिया है उसे एसोसिएट मेंबर के तौर पर आईसीसी में माना जाता है। और अमेरिका से पहले वर्ष 2021 का टी20 वर्ल्ड कप भी एसोसिएट कंट्री ने आयोजित किया था और उस समय एसोसिएट कंट्री था UAE। इसके अलावा इस संबंध में दोस्तों आपको बता दें कि पहली बार टी20 में 20 टीमें शामिल हो रही हैं, यानी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली बार 20 टीमें हिस्सा लेगी और इस बार 20 टीमों को 5-5 टीमों में 4 अलग अलग ग्रुप बनाया गया है।
और हर ग्रुप की दो दो टॉप टीमें सुपर एट स्टेज में पहुंचेगी और दो ग्रुप में जाएंगी और दो दो टॉप टीमों में से सेमीफाइनल होगा और उसमें से जीतने के बाद जो जो फाइनल होगा वो बारबाडोस में खेला जाएगा 29 जून 2024 को। वहीं इस बार तीन टीमों का डेब्यूट है, यानी पहली बार ये देश खेल रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, इसके अलावा कनाडा और युगांडा अपना T20 वर्ल्ड कप में डेब्यूट करने वाले हैं। इस तरह तीन टीमें इस बार डेब्यूट कर रही हैं क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है दोस्तों निमहांस, जो कि बेंगलुरु में है, यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। आपको बता दें कि निमहांस की निदेशक हैं प्रतिमा मूर्ति और जिनेवा स्विट्जरलैंड में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान उन्होंने यह पुरस्कार हासिल किया। 27 मई 2024 से 1 जून 2024 के दौरान इसका आयोजन किया गया था। वहीं दोस्तों नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में बात करें तो इस पुरस्कार की स्थापना 2019 में की गई थी और पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थानों, सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों को मान्यता देता है जिन्होंने हेल्थ प्रमोशन में योगदान किया हो, और किसी एक व्यक्ति या एक संस्थान को ही यह पुरस्कार दिया जाता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल अपने चार क्षेत्रों अफ्रीका, पूर्वी भूमध्य सागर, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम प्रशांत से 8 विजेताओं का चयन करता है और फाइनली उनमें से एक व्यक्ति या एक संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार। इसके अलावा आपको निमहांस के बारे में बता दें, निमहांस का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस और इसका स्थापना 1954 में किया गया था और बेंगलुरु में यह निमहांस नामक संस्था स्थापित है। आपको बता दें कि यह राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014, मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022 जैसी राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सहयोग करती है और मदद करती है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में की गई थी और वर्तमान में इसके महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम हैं। वहीं नेल्सन मंडेला के बारे में बात कर लें, जो कि दक्षिण अफ्रीका के फादर कहे जाते हैं, इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रहे हैं, वकील, शांति के इंटरनेशनल प्रमोटर थे। वहीं उनका निधन 95 वर्ष की उम्र में 2013 में हो गया था और उनके जन्म दिवस 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। और प्रश्न दो नंबर चार है दोस्तों आज का, लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें जीतकर भाजपा बहुमत से पीछे रह गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 240 सीटें बीजेपी ने जीती है और कुल सीटों की जो संख्या है लोकसभा में 543 है और बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है 272 और बीजेपी को 240 मिल पाया है। वहीं बीजेपी पिछले चुनाव यानी 17वीं लोकसभा चुनाव की तुलना में 63 सीटें कम हासिल कर पाई है और कांग्रेस 47 सीटें ज़्यादा हासिल कर सकी है और कांग्रेस को कुल 18वीं लोकसभा में 99 सीटें हासिल हुई है। वहीं एनडीए की और इंडिया गठबंधन की बात करें तो एनडीए को कुल 292 सीटें हासिल हुई है और इंडिया गठबंधन को 234 और विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें क्या क्या कितनी कितनी सीटें हासिल हुई है आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कुल 240, कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37, तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को 22, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, शिवसेना उद्योग गुट को 9, एनसीपी शरद पवार गुट को 8, शिवसेना शिंदे गुट को 7, वहीं एलजेपी को 5, वाईएसआरसीपी को 4, आरजेडी को 4 और सीपीआईएम को भी 4 सीटें और इसके अलावा आपको 3 सीट हासिल हुई है और बाकी
अन्य को प्राप्त हुए हैं सीटें। प्रश्न नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि का नाम क्या है जो 37 साल की विदेश सेवा के बाद रिटायर हो गई। यह है दोस्तों रुचिका कंबोज। आपको बता दें कि 1 जून 2024 को वह रिटायर हो गई 37 साल की फॉरेन सर्विस के बाद। उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका, यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्य कर चुकी हैं। रुचिका कंबोज ने 2 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि का पदभार संभाला था। इसके अलावा रुचिका कंबोज के बारे में आपको बता दें कि 1987 बैच की वो IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की अधिकारी हैं और मूलतः लखनऊ की रहने वाली हैं और वह भूटान, दक्षिण अफ्रीका, यूनेस्को में भारत की राजदूत स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर चुकी है। इसके अलावा भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत होने का भी गौरव उनके नाम है। वहीं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन UN क्या है दोस्तों, आपको बता दें कि UN में जो मेंबर कंट्री होते हैं उनके डिप्लोमेटिक मिशन के जो हेड होते हैं उन्हें ही हम परमानेंट मेंबर कहते हैं और परमानेंट मेंबर का ऑफिस अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। वहीं यूनाइटेड नेशन के बारे में बात कर दें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। प्रश्न नंबर 6 है, रेड फ्लैग बहुराष्ट्रीय हवाई सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित हुआ जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। इसका उत्तर है अमेरिका, अलास्का में यह अभ्यास रेड फ्लैग सैन्य अभ्यास चल रहा है जहां भारतीय एयरफोर्स यानी इंडियन एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी ने 30 मई 2024 को सैन्य अभ्यास में भाग लिया है और रेड फ्लैग अभ्यास में केवल वे देश ही भाग लेते हैं जो USA के प्रति अपना मित्रवत संबंध रखते हैं। वहीं USAF यानी यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के बारे के अनुसार रेड फ्लैग अलास्का को युद्ध वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और पहला मले मिलिट्री एक्सरसाइज यानी रेड फ्लैग 29 नवंबर 1975 को आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, सिकंदर भारती का निधन मई 2024 में हो गया, वह किस लिए मशहूर थे। दोस्तों वह प्रसिद्ध फिल्म डायरेक्टर थे। आपको बता दें कि 60 वर्ष के थे बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर जिनका निधन हो गया 24 मई 2024 को। सिकंदर भारती द्वारा जो प्रसिद्ध निर्देशित फिल्म हैं वह हैं घर का चिराग, जालिम, ₹10 करोड़, भाई भाई, सैनिक सिर उठा के जियो, दंड नायक, रंगीला राजा, पुलिस वाला और दो फंटूस। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और आज का प्रश्न है 8वां नंबर है, वित्त वर्ष 2023-24 में GDP विकास दर भारत में क्या रही है। इसका उत्तर है 8.2%। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने GDP के प्रोविजनल आंकड़े 31 मई 2024 को जारी किए हैं और अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक का यह आंकड़ा है जिसमें भारत का GDP 8.2 बताई गई है। वहीं 2022-23 के दौरान GDP ग्रोथ रेट 7% रही थी और रुपए में अगर GDP की बात करें तो वास्तविक GDP स्थिर मूल्यों पर 2023-24 में 173.82 लाख करोड़ रही है। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में GDP का विकास दर 7.8% रहा था। वित्त वर्ष की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च तक की गणना की गई है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 3.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। वहीं GDP विकास दर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया है। इसके अलावा इस संबंध में आपको बता दें कि राजकोषीय घाटा भी बढ़ा है और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.63% पर पहुंच गया है। वहीं दोस्तों GDP की बात करें तो GDP इकोनॉमी के हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सबसे कॉमन इंडिकेटर है और GDP किसी देश के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। GDP किसी एक साल या एक तिमाही में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। वहीं अधिक GDP का अर्थ होता है कि देश की आर्थिक बढ़ोतरी हो रही है और रोजगार देश में ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और GDP कम होने का अर्थ है कि
पिछड़ापन देश में बढ़ रहा है और बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? इसका उत्तर है, दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सभी प्रारूप यानी टेस्ट, वनडे, इंटरनेशनल और T20 सभी से संन्यास की घोषणा की। आपको बता दें कि 1 जून 2024 को क्रिकेट से संन्यास की उन्होंने घोषणा की है और वे एक प्रसिद्ध विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं। आपको बता दें कि IPL में उन्होंने 257 मैच खेला है और 4842 रन बनाए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियन, दिल्ली डेयर डेविल्स एंड किंग्स इलेवन पंजाब के लिए भी वे खेल चुके हैं IPL में। वहीं टेस्ट की बात करें तो 26 टेस्ट मैचेस में 1025 रन उन्होंने बनाए हैं। वहीं ODIs में 94 मैच उन्होंने खेला है और 1792 रन बनाए हैं, जबकि T20 में 60 मैच खेलकर 686 रन बनाने में सफल रहे थे भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक। प्रश्न नंबर 10 है, ओडिशा विधानसभा चुनाव में किस दल को बहुमत मिला है? आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा विधानसभा में भी चुनाव कराए गए थे, जहां भाजपा ने कुल 78 सीटें हासिल की है। वहीं ओडिशा असेंबली इलेक्शंस 2024 की बात करें तो वहां कुल सीटों की संख्या विधानसभा की 147 है, यानी असेंबली सीट्स 147 है। बीजेपी ने कुल 78 सीटें हासिल की है, BJD यानी बीजू जनता दल ने 51 और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 14। बीजू जनता दल यानी BJD के नवीन पटनायक का 24 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है और नवीन पटनायक 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर इस बार भी CM बनने का उन्हें मौका मिलता तो वह सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का वाले मुख्यमंत्री बन जाते या नेता बन जाते। वहीं देश के सबसे ज़्यादा 9 बार मुख्यमंत्री बनने के शपथ का रिकॉर्ड नीतीश कुमार का है। आपको बता दें कि यह रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बार शपथ लेने का है, न कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का। प्रश्न नंबर 11 है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इस वर्ष का थीम है, खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहे, यानी फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। इस दिवस को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में घोषित किया था। उद्देश्य है इसका बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने और खाद्य जनित जो बीमारियां हैं, यानी खाने से होने वाली जो बीमारियां हैं, उसे रोकने के लिए खाद्य प्रणालियों को बदलना। वहीं अदर इम्पॉर्टेंट डेज जो जून के महीने में अभी तक मनाए गए हैं वह हैं विश्व महासागर दिवस जो 8 जून को मनाया गया और वर्ष 2024 का थीम रहा परिवर्तन की लहरें महासागरों के लिए सामूहिक कार्यवाहियां, वेव्स ऑफ चेंज कलेक्टिव एक्शंस फॉर द ओशंस। और 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया गया था। आइए प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं, भारत सरकार ने असामान्य कदम उठाते हुए भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल विस्तार कितने वक्त के लिए किया है? इसका उत्तर है, 1 महीने के लिए विस्तार दिया गया है उन्हें, यानी कार्यकाल में विस्तार दिया गया है मनोज पांडे को। आपको बता दें कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, थलसेना प्रमुख जनरल को 1 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। 31 मई 2024 को वे रिटायर होने वाले थे, अब उन्हें 30 जून 2024 तक पद पर बने रहना है। वहीं सामान्यतः सेना प्रमुखों के लिए कार्यकाल 62 वर्ष की आयु या फिर 3 वर्ष जो भी पहले हो सकता है। आइए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की और आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश जिनका निधन हो गया। ऑप्शन ए रूमा पाल, ऑप्शन बी फातिमा बीवी, ऑप्शन सी कुष्मा सिंह अथवा ऑप्शन डी विमला शर्मा। ये था दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों यह था आज का नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ, झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए। धन्यवाद दोस्तों।